रिट्रेंचमेंट, यस दिस इज अनदर स्ट्रेटेजी जिसपे हम बात करते रहे. रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी इज ऑफन यूज्ड इन ऑर्डर टू कट एक्सपेंसेस. ये भी हम बार बार बात करते रहे हैं जी. रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी में क्या होता है, आप अपने एक्सपेंसेस को कट करते हैं. किस लिए कम करते हैं? विद द गोल ऑफ बिकमिंग मोर फाइनेंशियल स्टेबल बिजनेस. यानी आप जब तक चला सकें चला लें. तो जब आप रिट्रेंचमेंट की स्ट्रेटेजी आपकी सक्सेसफुल नहीं होती तो फिर आप डाइवेस्चर या लिक्विडेशन की तरफ चले जाते हैं. ठीक है. सो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कट करते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को फाइनेंशियली स्टेबल रख सकें और जब तक चला सकते हैं चला सकें. सो टिपिकली दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स विदड्रॉइंग फ्रॉम सर्टेन मार्केट्स और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स और सर्विस इन ऑर्डर टू मेक योर बिजनेस फाइनेंशियली स्टेबल. ठीक है. तो आप सारा कुछ सेल नहीं करते, आप कुछ चीजों पे कॉस्ट को कट डाउन करते हैं, कुछ चीजों पे कॉस्ट को कम करते हैं, कुछ फंक्शंस को आप रिमूव कर देते हैं ताकि आप जब तक ये बिजनेस फाइनेंशियली स्टेबल चल सकता है तब तक चलाएं. ज्वाइंट वेंचर, ये हमने लास्ट डिस्कशन की थी जी. ज्वाइंट वेंचर इज व्हाट? सो दिस इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी in business agreement that is actively engaged by two companies who make concerted decision to work together to achieve specific set goal. dekhiye maqsad kya hai ki do companies join hands karti hain. do companies kis liye join hands karti hain? taaki wo ek company jo successfully nahi chala pa rahi thi wo dusri company ke sath join hands karke usko डिसीजन करते हैं कि नाउ दे वॉन्ट टू वर्क टूगेदर टू अचीव टारगेटेड गोल, टू अचीव द कॉमन गोल. जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए डिसाइड करती हैं कि नाउ दे वॉन्ट टू कीप देयर सेल्व टूगेदर टू रन दिस बिजनेस.